हेलो एंड वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। आज है 12 अप्रैल और यहाँ पे देखो, अभी ये देखो फाइट करना स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग स्टार्ट होता है इन लोगों ने, 10 बज रहे हैं सुबह के और नाश्ता वगैरह करते हैं, उसके बाद से काम करना है, वीडियो एडिट करनी है, एक और वीडियो में काम करना है, बहुत सारे काम है। अभी नित्या सोई हुई है, मतलब मॉर्निंग में एक बार उठ गई थी, उसको नहलाया हम लोगों ने, दूध वगैरह पिलाया, उसके बाद से दोबारा सुला दिया क्योंकि नींद उसकी पूरी हुई नहीं थी। अगर उसकी नींद पूरी नहीं होती तो वो फिर ऐसे मूड उसका सही नहीं रहता। ये लड़का हमेशा की तरह सुबह एक बार इसने 4 बजे उठाया, उसके बाद 6 बजे दोबारा इसको भूख लग गई। पता नहीं कितनी भूख लगती है इसको। चीकू कहाँ घुस रहा है, ऐसी उल्टी सीधी जगह घुसता है, ऐसे काम करता है जो नहीं करने चाहिए। तो अभी नाश्ता बनने वाला है, यहाँ पे रायता है और यहाँ पे आटा है, पराठे आटा। अभी ऑलिवर की हालत खराब हो रही होगी क्योंकि मैंने ऑलिवर को ना अंदर बंद किया हुआ है, वो ऊपर उछलने में कूदने में लगा पड़ा, उसको बाहर बुलाता हूँ। आजा आजा बोलू, आजा, क्या हुआ? रितु कहाँ है? बोलो रितु कहाँ है? रितु कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? देख देख, ढूंढ ढूंढ ढूंढ, जल्दी जल्दी जल्दी, कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? ओलिवर रितु कहाँ है? पता चल गया उसको बाथरूम में। नहीं, कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? ओह शिट, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। कैसे हालत खराब हो गई ना, अंदर से सांसें फूल के घर, आज मैं कैसे नहीं आया ब्लॉग में। तो यहाँ पे नित्या की भी नींद खुल गई है और एक पावर नैप लेके छोटी सी, अब जाके अच्छे से नींद पूरी हो गई है ना। और कैमरा पकड़ना है। ओलिवर तो कितनी गर्म हवा छोड़ता है यार आजकल, सीधे बिस्तर में। सर्दियों में हम इसको बुलाते थे कि आजा बिस्तर में, आजा ठंड लग रही है। नहीं हाँ, मतलब हम इसी में जमीन में सो रहा है फर्श हाँ, में हाँ। ठंडे, और ये देखो गर्मियों में बेड में चढ़ रहा है, पता नहीं कैसा है, अलग ही सीधे आजकल बिस्तर में ही पसंद आ रहा है इसको, पता नहीं गर्मी कैसे नहीं लग रही। उठ गई, मच्छर ने काट रखा है क्या? हाँ, कितना कुछ हो जाती है। ओलिवर तो इतना ज्यादा पागल, मतलब पागल ही हो रखा है, इसको खाने पीने की कोई होश ही नहीं रहती है। तो कल रात को इसको खाना नहीं दिया था, नींद में था, हमको लगा कि नहीं लग रही होगी भूख, बाद में इसको जब खाना दिया तो लगी थी भूख, लेकिन ये नहीं कि उठ जाओ खा, मतलब मांग लो खाना। नीचे गिरे। तो अभी मैंने नवल की रेजिडेंट इविल वाली वीडियो को एडिट किया है और थोड़ा थोड़ा मुझे नींद भी आने लग गई थी। वीडियो तो बहुत अच्छी थी और कहीं जगह तो मुझे भी हेडफोन में डर लग गया था, मतलब एकदम से ना जब शांति सी रहती है और ऐसा कुछ सीन होता है तो डर लगने लग जाता है एकदम से, धड़ाक करके आवाज़ आई थी। और ये है, यहाँ पे इसने शोर मचा रखा है, पापा को कितना परेशान करने में लगी हुई है, है? जैसे नवल हल्का सा हाथ लगा रहे हैं इसके चिल्लाने, कैसे चिल्ला के गुस्सा कर रही है, क्या करें? ये वो ना 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 मेरा मन कर रहा था फिर वीडियो में समझ में नहीं आता कहाँ कट लगाऊं कहाँ नहीं लगाऊं, कुछ नहीं तो रॉ वीडियो डाल रखी है मैंने। रॉ तो नहीं, मतलब हाँ, मतलब काफी एडिट थी, मतलब 1 घंटे की, उसको काट के 40 मिनट के अराउंड हो गई है। हाँ, गेम पसंद आई। ये अभी तक बेचारा सुनसान हुआ था, उठ के आ गया, कह रहा मेरे को भूल गए क्या? कुछ नहीं बोले तो भूलने वाली चीज नहीं है। तो आज एक बार फिर से शेक बनाया है बनाना वाला, और आज वाला अच्छा बना हुआ है। नहीं नहीं, आज का तुमको पता ही नहीं चलेगा तुमने पिया है करके। मैंने कल ओट्स थोड़ा सा ज्यादा हो गया सर, ओट्स की वजह से हुआ था मेन, वो पीनट बटर सर नहीं, पीनट बटर तो उतना ही डाला है ना, सही हो रखा आज। कल वाला बिल्कुल जहर था वो, सही में जहर ही हो रखा था, उसको पी के मेरी भी हालत खराब हो गई और बड़ा अजीब सा लग रहा था वो। लेकिन पता क्या है शेक, अगर आप लोग मतलब जो भी वेट गेन करते हैं या फिर जो भी जिम वगैरह जाते हैं ना, उनको ट्रेनर भी बताते हैं कि शेक पीना ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि देखो आपको बहुत सारे मील्स लेने होते हैं जब आप मसल बिल्डिंग वगैरह कर रहे होते हो, तो शेक आप कितना भी पी लो मतलब पेट भर जाता है, डाइजेस्ट भी जल्दी, मतलब पेट भरता नहीं है, डाइजेस्ट जल्दी हो जाता है। अगर आपका पेट भरा भी है तो आप शेक तब भी 1 गिलास तो पी लो, बहुत ज़्यादा मतलब सही रहता है, हेल्दी सही हो गया ज्ञान आपका, पी लेते हैं चुपचाप। ओलिवर के लिए मैं एक बिस्किट का पैकेट लेके आ रखा था, इससे ना खुलता नहीं है, कभी कभी मैं ले आता हूँ इसको क्योंकि अच्छा लगता है और काफी देर तक खेलते रहेगा, उसके बाद जब हार जाएगा ना तो फिर ये छोड़ देगा, इससे इसके बस की बात नहीं है पैकेट खोलना। 5 रुपए पूरे वसूल कर लेते हैं ओलिवर, देखो इतनी जल्दी पी लिया मतलब। और देखो ग्लास दिखाओ, कल इतना देखो आज कितना पतला है, कल वाला तो बहुत ही हदी हो गई थी यार, वो ग्लू लग रहा था ऐसा, आप फेविकॉल पी रहे हैं, फेविकॉल भी पतला होता है। हाँ, आपको भी पिलाया था पापा ने शेक, ये पता क्या सोच रहे कि इसको खिलौना मिल गया, इसको कोई पता थोड़ी ना है कि खाने की चीज होती है उसमें, इसको लगता है बस हर चीज से खेला जाए। हाँ, गुस्सा भी करता है। तो अभी वीडियो 6 बजने वाला है वैसे, है ना, तो हमारी जो आज का ब्लॉग है वो एडिट हो चुका है, आज एक वीडियो एडिट होके जा चुकी है जो बहुत बड़ी थी वैसे। अब जाके मुझे काम करना है शाम को, तो मैं अभी थोड़ी देर में स्टार्ट करता हूँ काम करना, और मुझे नहीं लगता, अरे नहीं नहीं करूंगा, नहीं करोगे अब, तुम्हारे सोने का टाइम हो जाता है 1 घंटे में तुम्हारी। कल मैं सोने के लिए आया यहाँ पे, तो मैं एक बार बाहर गया था ना,
9:30 हुआ था उस टाइम पे, तो बाहर जाके देखा लोग की दुकानें खुली थी, मैंने कहा नहीं ज्यादा जल्दी हो गई, फिर तो उसके बाद में सोया था। तो कल यहाँ एक बड़ा जबरदस्त सीन हुआ था, जब हमने कल व्लॉग कर दिए थे ना उसके बाद की बात है, मैं एडिटिंग में मैंने जस्ट कंप्यूटर ऑन किया था और नवल यहाँ सोने आ गए थे, नित्या को हमने सुला दिया था, तो नीचे वाले का फोन आया था कि बाहर की लाइट खोलो, हमने बाहर की लाइट खोली, मैंने पूछा कि क्यों, तो कोई आदमी कपड़े वपड़े उतार के नंगा हमारी छत में चढ़ा हुआ था, फिर कपड़े हाँ मतलब कपड़े उतार के नहा रहा था छत में हमारे छत में नहाने को आ रहा ना, क्या हुआ ना एक्चुअली फिर बिल्डिंग के सारे जितने भी आदमी लोग हैं सब गए ऊपर को देखने के लिए, तो फिर तब मैंने भी देखा नित्या भी उठ गई क्योंकि ओलिवर बहुत भौंकने लग गया था, क्या कर रहा था सीन इनको पता होगा छत में है, अरे उस जाके छत में उससे पूछा कि कौन है करके, तो कह रहा मेरे को गोली मार दो उसको मतलब वो ना पागल नहीं था सब, वो खुद को पागल प्रटेंड कर रहा था, पागल नहीं था वो ना, नशे वाला जैसे स्मैकी वगैरह ऐसे लोग होते हैं ना वो था जैसे। हाँ तो हम लोग ने सोचा कि यार पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस को नंबर लगाया था और पुलिस वाले बिजी थे ऐसी इमरजेंसी का नंबर इमरजेंसी नंबर ही लगता है, पुलिस का नंबर मिला जा रहा है, पुलिस का नंबर बिजी जाया जा रहा है, कोई मतलब ही नहीं कितनी देर तक मिलाया, और वो बंदा अगर पागल होता घर से थोड़ा दूर जाके उधर अपनी जीन्स शर्ट वगैरह सब उतार के यहाँ छोड़ के आ रखा है, जीन्स वगैरह चेंज करके शॉर्ट्स में आ रहे हैं इधर ही, और जो भी लोग आ रहे हैं उनकी गाड़ी में हाथ लगा हर कहते तो कर ही रहा था, पता नहीं यार पता नहीं। पहली बार मैंने उसको देखा था, और यहाँ पता नहीं रोज छत में आके नहाने में लगा होगा मेरे को आगे उसके बाद से घिन मुझे लगा कहीं हमारी टंकी में हाथ हाथ डालो, नवल को तो बहुत घिनाया था, नवल ने कहा टंकी खाली करो हमारी, और उसके बाद एक चिरकुट बहुत देर में सोया था। हाँ तो फाइनली मैं अब जाके अपनी वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, और आजकल ये बड़ी प्रॉब्लम करता है, बार बार ना लॉग इन करना पड़ता है, और अभी मैंने नहा लिया क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी, मतलब गर्मी बहुत हो रही थी तो उसकी वजह से ना काम करने का मन नहीं कर रहा था, अभी नहा लिया अब जाके काम करना स्टार्ट करते हैं, ट्राई करूंगा बहुत ज्यादा देर तक काम करूँ ज्यादा से ज्यादा निपटाऊं, और एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ, जो प्लान था वो नहीं बना रहा हूँ कुछ और बना रहा हूँ वो बाद के लिए, और यहाँ पे ये लोग भी कर रहे हैं काम, नित्या की रोने की आवाज आ रही है मेरे को पहले से ही, तो यहाँ पे रो रही है नित्या, नित्या को पिला रहे हैं अभी दूध, मुंह में लेना और हाँ। मार लेगी फिर सर में प्लास्टिक, वही तो उसको कुछ भी दे दो उसको बस मुंह में डालना होता है, उसको खाना होता है, और कभी कभी ना ऐसी कुछ भी चीजें देखो प्लास्टिक भी है लग भी, और हाँ लगा भी था इसने बहुत तेज से सर पे मार दिया था, और हाँ अपने नहाने से पहले मैंने ओलिवर को बहुत अच्छे से नहाया, बेचारे इसका मुंह ना सैड सा हो गया क्योंकि ठंडा ठंडा पानी आ रहा था, तो देखो अभी फ्लफी सा लग रहा है लेकिन बहुत अच्छा है, इसको अभी रिलैक्स हो रहा है एकदम से, ले फिर ये ले ले, ये ले ले कैमरा ले ले ले, नो हाँ ले ले, हाँ ले लो कोई नहीं तोड़ दो, हाँ कैमरा लेंस देखना एंगल, ओए ओए निकाल दिया ये देखो लेंस निकाल दिया उसने, चल बाय करते पापा काम करने जा रहे हैं, तो रात के 10 बज गए हैं और बड़ी देर से हम नित्या को सुलाने की कोशिश कर रहे थे, मतलब मैंने भी काफ़ी देर सुलाया, अभी नवल की गोद में जाके सोने वाली है, मतलब अभी सो गई थी लेकिन दोबारा थोड़ा उठ गई है शायद आवाज़ को सुन के, और हम सब भी सो जाएंगे, नवल थोड़ी देर नवल को नींद भी आ गई है, तो इसी के साथ करते हैं आज का व्लॉग खत्म, आई होप आप सभी को पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हैं तो क्या करना है सब्सक्राइब दे हाथ तभी करेंगे सब्सक्राइब करेंगे, हाई फाइव कर, तू ही नहीं करवाना चाह रहा, भाग गया भाग।